हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको लियोनिड स्टाइन की एक बेहतरीन गेम दिखाने जा रहा हूं। और जो लोग हिंदी चेस वीडियोस के सब्सक्राइबर है वो जानते ही है कि लियोनिड स्टाइन कौन है, बट जो लोग हिंदी चेस वीडियोज़ पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको दोस्तों मैं बता दूँ कि लियोनिड स्टाइन एक ऐसे प्लेयर है जिनको मिखाइल ताल जो है वो कभी बीट नहीं कर पाए थे। तो आइए शुरू करते हैं स्टाइन की ये गेम, जो कि 1962 में खेली गई थी, जहाँ पे उनके ओपोनेंट है स्ट्रॉन्ग हंगेरियन ग्रैंड मास्टर पोर्टिश। सो गेम में लियोनिड स्टाइन ने e4 से शुरुआत की, एंड नाउ c5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट f3, e6, d4 ओपन सिसिलियन, c कैप्चर्स d4, नाइट कैप्चर्स d4, एंड नाउ f6, बिशप d3, नाइट f6, एंड नाउ यहाँ पे स्टाइन ने कैसल किया क्वीन c7, नाइट d2 एंड नाइट c6। और दोस्तों, इन जनरल वर्ड जो है वो c6 पे कैप्चर नहीं करता है, क्योंकि आप जब c6 पे कैप्चर करते हो, बी कैप्चर्स ऑन c6 आता है, एंड देन उसी पोन की वजह से आपको जो है d5 पोन ब्रेक अचीव करने में काफ़ी आसानी रहती है। बट इस गेम में स्टाइन ने जो है वो नाइट कैप्चर्स ऑन c6 खेला, एंड बी कैप्चर्स ऑन c6 के बाद f4। सो उनका आइडिया है दोस्तों नाइट f3 एंड e5 खेलना, एंड देन जो है वो किंग पे अटैक करना। यहाँ पे बिशप c5 चेक, किंग h1, एंड नाउ ब्लैक के लिए बेटर यही है कि वो जो है d5 खेले, जिस केस में e5 एंड नाइट टू d7, एंड दोस्तों गेम जो है वो स्टिल तीनों रिजल्ट के लिए ओपन है। बट यहाँ पे वाइट के पास कुछ अटैकिंग पोटेंशियल है, राइट, लाइक नाइट f3 जा सकते हो, और अगर आप कैसल खेलते हो देन गेम जो है वो काफ़ी जल्दी फिनिश हो सकती है, क्योंकि कैसल में क्या हो सकता है दोस्तों, एक तो नाइट g5 आ सकता है, दूसरा बिशप कैप्चर्स ऑन h7 चेक, नाइट टू g5, एंड देन क्वीन टू h5, रुक f3 एंड रुक h3 जैसी मूव भी जो है वो पॉसिबल है। बट स्टिल यहाँ पे पोजीशन जो है वो अनक्लियर है, किसी भी और गेम जा सकती है। बट किंग h1 के बाद एक्चुअली गेम में ब्लैक ने d6 खेला, एंड नाउ नाइट f3, e5, एफ कैप्चर्स ऑन e5। सो अब देखिए यहाँ पे वाइट की जो रुक की लाइन है वो ओपन हो चुकी है, डी कैप्चर्स ऑन e5, एंड नाउ नाइट h4। सो नाइट जो है दोस्तों f5 पे जा रही है, और यहाँ पे ब्लैक ने जो है शॉर्ट कैसल किया, एंड नाउ नाइट f5। और इस पोजीशन में दोस्तों, अगर आप बिशप से नाइट को कैप्चर करते हो देन रुक कैप्चर्स ऑन f5, और वाइट जो है उसके पास बिशप पेयर रहेगी, एंड प्लस यहाँ पर ब्लैक थोड़ा भी लापरवाह रहता है, देन रुक कैप्चर्स ऑन f6 जो है वो काफ़ी बड़ी थ्रेट है। मैं आपको एक सिंपल लाइन दिखाता हूँ, से रुक a2 d8, आप रुक को जो है क्वीन की लाइन में प्लेस कर रहे हो, बट देन रुक कैप्चर्स ऑन f6, एंड नाउ जी कैप्चर्स ऑन f6 के बाद सिंपल जो है बिशप टू h6, जहाँ पे आपको जो है अपना एक्शन तो वापस मिल ही जाएगा, क्योंकि अगर आप रुक मूव करते हो देन क्वीन g4 में चेकमेट हो रही है, सो आपको एक्शन देना पड़ेगा किंग h8 खेल के, एंड देन हम जो है यहाँ पे सिंपली रुक को कैप्चर करेंगे, एंड देन ब्लैक का जो पोन स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे वीक है। सो यहाँ पे डेफिनेटली वाइट की पोजीशन जो है वो अच्छी है। बट नाइट f5 के बाद गेम में जो है वो ब्लैक ने बिशप e6 खेला, एंड नाउ क्वीन e2, a5, बिशप c4, वो दोस्तों यहाँ पे किंग h8 खेला गया। इन केस बिशप c4 के बाद आपसे बिशप से बिशप को कैप्चर करते हो, बट देन क्वीन कैप्चर्स ऑन c4 के बाद इस बिशप को मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। से आप बिशप को e7 पे मूव करते हो, बट देन बिशप g5 जो है वो दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मरी थ्रेट है नाइट कैप्चर्स e7, एंड देन क्वीन कैप्चर्स e7, एंड देन बिशप कैप्चर्स ऑन f6, जिस केस में आपका जो है किंग साइड पोन स्ट्रक्चर डैमेज भी होगा, सो और c6 पोन जो है वो भी हैंगिंग होगा। और उसी तरह से दोस्तों क्वीन कैप्चर्स ऑन c4 के बाद से आप अपना बिशप जो है b6 या तो a7 कहीं पे भी मूव करते हो, बट देन नाइट h6 जो है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पोन कैप्चर्स ऑन h6 देन रुक कैप्चर्स ऑन f6, और बाद में आपका एक पोन भी ड्रॉप हो रहा है, और आपकी किंग साइड जो है वो काफ़ी वीक हो चुकी है, दूसरी ओर c6 पोन है वो भी हैंगिंग है। सो यहाँ पे पोजीशन काफ़ी अच्छी है। सो से नाइट h6 के बाद अगर आप किंग h8 जाते हो, बट देन बिशप टू g5 जो है वो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो गेम में क्या हुआ दोस्तों, बिशप c4 के बाद एक्चुअली ब्लैक ने जो है वो किंग h8 खेला, उसने बिशप से बिशप को कैप्चर नहीं किया, एंड नाउ बिशप g5 सो थ्रेट है बिशप कैप्चर्स ऑन f6 की, एंड नाउ नाइट टू d7 खेला गया, एंड रुक a2 d1, और यहाँ पे दोस्तों नाइट b6, और ये शायद गेम की जो है सबसे बड़ी मिस्टेक है। इनकेस रुक a2 d1 के बाद ऐसे आप बिशप कैप्चर्स ऑन f5 खेलते हो, बट देन पोन कैप्चर्स f5, और वाइट की नेक्स्ट मूव हो सकती है f6, और आप उसको f6 खेल के स्टॉप करते हो, बट देन बिशप c1 के बाद आप देख रहे हो कि आपका बिशप ऑन c4 जो है वो मॉन्स्टर पीस बन चुका है। यहाँ पे वाइट की पॉसिबल थ्रेट हो सकती है क्वीन h5 एंड रुक f3 के बाद क्वीन का सेक्रीफाइज h7 पे, एंड देन रुक h3 जो है वो मेट हो सकती है। सो यहाँ पे भी वाइट के पास अटैकिंग पोटेंशियल जो है वो काफ़ी बड़ा रहेगा।
सो शायद इसलिए उन्होंने जो है रुक ए टू डी वन के बाद नाइट बी सिक्स खेला होगा। और यहाँ पे ऐसी होप थी कि शायद या तो बिशप कैप्चर्स ऑन बिशप खेलेंगे वाइट, या फिर बिशप जो है वो डी थ्री पर मूव करेंगे। बट दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पर लियोनिड स्टाइन ने खेला नाइट कैप्चर्स ऑन जी सेवन। और अब जो है आप अपनी मेरी नाइट भी कैप्चर कर सकते हो, यहाँ पे बिशप भी कैप्चर कर सकते हो। गेम में जो है वो बिशप कैप्चर्स ऑन सी फोर खेला गया, बट पहले देखते हैं क्या होता है अगर किंग कैप्चर्स ऑन जी सेवन आता है। बट देन बिशप टू एफ सिक्स जो है वो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पॉइंट ये है कि किंग जी सिक्स देन क्वीन डी टू और उसके बाद क्वीन जी फाइव या तो फिर क्वीन एच सिक्स जो है उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। और उसी तरह से आप किंग जी सिक्स जाते हो दोस्तों, बट देन बिशप कैप्चर्स ऑन ई सिक्स, एफ कैप्चर्स ऑन ई सिक्स और क्वीन जी फोर के बाद या तो आपकी क्वीन चली जाएगी या तो चेकमेट हो जाएगी। पॉइंट किंग एच सिक्स देन क्वीन जी फाइव चेकमेट और किंग एफ सेवन देन क्वीन टू जी सेवन और उसके बाद स्क्यूअर में जो है आपकी क्वीन जा रही है। सो नाइट कैप्चर्स ऑन जी सेवन के बाद नाइट को तो कैप्चर नहीं किया जा सकता। सो पोर्टिश ने जो है वो बिशप कैप्चर्स ऑन सी फोर खेला। और अब आप क्या खेलोगे, आपकी यहाँ पर नाइट हैंगिंग है, दूसरी ओर आपकी क्वीन हैंगिंग है, क्वीन मूव करते हो तो आपका रुक जा रहा है। सो ये जो है स्टेन ने क्या खेला दोस्तों, यहाँ पे जो मूव आई वो काफ़ी लाजवाब है। यहाँ पे स्टेन ने अपनी क्वीन भी दे दी और उन्होंने खेला बिशप एफ सिक्स। सो पॉइंट ये है कि बिशप कैप्चर्स ऑन ई टू देन चेकमेट हो रही है, नाइट एफ फाइव डिस्कवर चेक, किंग जी एट और नाइट एच सिक्स जो है वो चेकमेट हो जाएगी। सो बिशप एफ सिक्स के बाद एक्चुअली गेम में बिशप टू ई सेवन खेला गया एंड नाउ स्टेन ने खेला क्वीन टू एफ थ्री। और दोस्तों यहाँ पे गेम सेव करना जो है वो नामुमकिन सा है। वैसे आप बिशप कैप्चर्स ऑन एफ वन खेलते हो, बट दोस्तों देन यहाँ पे नाइट एच फाइव डिस्कवर चेक जो है बिशप का वो डेंजरस है, क्योंकि बिशप कैप्चर एफ सिक्स देन क्वीन कैप्चर एफ सिक्स और जी सेवन पर मेट हो जाएगी। एंड से दोस्तों क्वीन एफ थ्री के बाद आप बिशप कैप्चर एफ वन नहीं बल्कि आप जो है बिशप कैप्चर एफ सिक्स खेलते हो, बट देन क्वीन कैप्चर्स ऑन एफ सिक्स। और यहाँ पर देखिए कि ब्लैक की क्वीन के पास ऐसा कोई भी वे नहीं है कि वो जो है वाइट की क्वीन के सामने अपनी क्वीन एक्सचेंज कर पाए। दैट मीन्स आप जो है नाइट टू एच फाइव या तो फिर नाइट टू एफ फाइव का डिस्कवर चेक है उसको स्टॉप नहीं कर सकते हो। और अगर आप नाइट डी सेवन खेलते हो जो कि आपकी लास्ट उम्मीद है, बट देन रुक कैप्चर्स डी सेवन जो है वो जस्ट विनिंग है, क्योंकि नेक्स्ट मूव में हम जो है या तो नाइट एफ फाइव या तो नाइट एच फाइव खेलेंगे एंड देन जी सेवन पर चेकमेट कर देंगे। सो गेम में क्या हो दोस्तों, क्वीन एफ थ्री जब आया तब इस पोजिशन में एक्चुअली लायोस पोर्टिश ने जो है वो रेजिग्नेशन दे दिया। सो दोस्तों कैसी लगी आपको लियोनिड स्टाइन की ये गेम और आज का ये वीडियो, आई होप मेरा वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।